नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमला, 13 लोगों की मौत, 35 विद्यार्थी समेत 9 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस बल ने दोनों हमलावरों को किया ढेर। इटली में भूकंप से 160 लोगों की मौत, कई लापता। इमाट्राइस शहर के मेयर सर्जो परोजी ने कहा, कुछ नहीं बचा, पूरा शहर जमीन में समा गया। लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी। रूस की राजधानी मॉस्को के सिटी बैंक में बंधक संकट खत्म, आरोपी ने किया सरेंडर। 4 लोगों को बना रखा था बंधक, बैंक में विस्फोटक के साथ घुसा था आरोपी। क्लिंटन फाउंडेशन के बचाव में आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, कहा दान देने वालों पर गर्व है। हिलेरी क्लिंटन पर विदेश मंत्री रहते हुए फाउंडेशन के दानदाताओं को फायदा पहुंचाने का है आरोप। कोलंबिया और फार्क विद्रोहियों के बीच शांति समझौते पर बनी सहमति, दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने की घोषणा। समझौते के तहत फार्क बंद कर देगा हथियारबंद लड़ाई और कानूनी प्रक्रिया में होगा शामिल। सीरियाई विद्रोहियों ने जराब्लूस शहर से आईएस को खदेड़ा, विद्रोहियों को मिला था तुर्की सेना और अमेरिकी हवाई सेना का समर्थन। आईएस के ज्यादातर लड़ाकू भागे, कुछ ने किया आत्मसमर्पण। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।